हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक धमाकेदार वीडियो के साथ। देखिए, आज सुबह निफ्टी में हमने यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे पुट की मेंटरशिप बनाई थी और देखिए इसके बाद मार्केट कितना अच्छा फॉल हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बढ़िया फॉल हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आके चेकआउट कर सकते हैं। और मार्केट में ज़रूरत होती है सावधानियों की। देखिए, ये जो आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है ना, बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हो रहा था। आज बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी में यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये गोला सा जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये पूरी कॉल की रैली चल रही थी। तो ये कोई कॉल की रैली नहीं थी, ये बिल्कुल फेक मूव थी, क्योंकि ये निफ्टी भर नहीं रहा था। तो ये सब पहचानने की चीजें होती हैं कि कॉल की ट्रेड नहीं लगानी है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे हमारा एसएल था, एसएल हमारा छुआ भी नहीं मार्केट ने, ये हमारा एसएल था, टेलीग्राम में गिवन है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उसके बाद मार्केट पुट में ही गया है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, इसमें टेलीग्राम चैनल है ये हमारा, यहाँ पे देखिए आपको ये रैली दिखाई दे रही होगी। प्रीमियम ग्रुप में मैंने एसएल भी बताया था कि एसएल कहाँ पे है। ये देखिए, ये प्रीमियम ग्रुप का स्क्रीनशॉट है, ये आपको यहाँ पे एसएल दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी मूव आई है। तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया डायरेक्ट क्लिक करके आप वहाँ जा सकते हैं। देखिए, आज का वीडियो किस बारे में है, आज का वीडियो इस बारे में है कि हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं आने वाली मूव्स को, हम किस तरह मार्केट में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये चीज आप शेयर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडेक्सेस में भी, निफ्टी बैंक निफ्टी हर चीज में अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस जरूरत है ये समझने की कि प्राइस कहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। जहां भी प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पोजीशंस बन रही हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट हो 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 रहा है, ये सब कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेट हो रहा है, ये सारी की सारी कंसोलिडेशन है। अगर इस कंसोलिडेशन के साथ आप थोड़ा सा लेवल्स का ध्यान रखें तो आप मार्केट की मूव को पकड़ सकते हैं। ये डे फ्रेम का चार्ट है, बैंक निफ्टी का डे फ्रेम का चार्ट है आपके सामने। तो हम किस तरीके से मूव पकड़ सकते हैं, क्या हम इसमें एक बिगनर दिमाग लगा सकता है, किस तरीके से मार्केट की अगली डायरेक्शन क्या होने वाली है ये सोच सकता है, नेक्स्ट एनालिसिस कैसे कर सकता है डे टाइम फ्रेम को देख के। देखिए, इसमें मैं आपको पहले एक रफ आइडिया देती हूँ कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं और किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझें। देखिए, मान लीजिए ये किसी कंसोलिडेशन का हाई है और ये कंसोलिडेशन का लो है। अगर इस कंसोलिडेशन का जो वो है ब्रेकआउट है, वो किसी ग्रीन कैंडल के साथ होता है, ब्रेकआउट ये भी हो सकता है, मतलब कैंडल का टॉप बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ग्रीन कैंडल जो होती है, ये जो ग्रीन कैंडल होती है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस होता है और इसका जो बॉटम होता है ये इसका ओपनिंग प्राइस होता है। यानी जब वो ऊपर की बॉडी से क्लोज होती है, दैट मीन्स वो ब्रेकआउट दे रही है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो जब कोई ग्रीन कैंडल इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट दे रही होती है इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के मन में थोड़ी बुलिश मूव है। अगर ये इस तरीके से कैंडल हो तो वैलिड है, मगर अगर मान लीजिए इस तरीके से कैंडल हो, विक के साथ कैंडल हो, तो ये एलिजिबल नहीं है, ये वैलिड नहीं कही जाएगी, क्योंकि इसका टॉप या थोड़ी सी भी बॉडी इस ब्लैक लाइन के ऊपर नहीं निकली है। बस ये दो छोटी सी बातें हैं। अगर ये चीज आ गई, जैसे ये टॉप बाहर निकल गया, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगली जो कैंडल आएगी वो भी ग्रीन कैंडल आएगी। ओके, हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो आइए इसे चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाई दे रही होगी, ये जो कंसोलिडेशन है इसके, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल से इसका ब्रेकआउट हुआ है। ओके, ये ग्रीन कैंडल से हुआ है, मगर फिर उसके बाद क्या हुआ, ये रेड कैंडल आई है। ओके, रेड कैंडल तो आ गई, मगर आप ये देखिए कि इस रेड कैंडल ने ये जो इसका टॉप था या जहां से इसका ब्रेकआउट हुआ था, इसे टच नहीं किया, ये यहीं से डायरेक्ट यहीं से रिवर्स बैक हुई है। इसके बाद क्या है, देखिए बढ़िया सी आपको ग्रीन की रैली दिखाई दे रही है। इसमें क्या कर सकते हैं आप इसका टॉप देख सकते हैं। जब इसका टॉप कट गया तो आप ये कॉल की मूवमेंट यहाँ पे आराम से पकड़ सकते हैं। कहाँ तक का आपको टारगेट मिलेंगे, इसमें आपको जो है नेक्स्ट रिजेक्शन लेवल तक के टारगेट जरूर मिलेंगे। जैसे कि नेक्स्ट रिजेक्शन लेवल कहाँ पे आपका, मैं कर्सर से बताती हूँ, यहाँ पे बात हो रही है तो नेक्स्ट रिजेक्शन लेवल आपको ये मिल रही है, इसके बाद के टारगेट तो आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाई दे रही होगी, ये जो है यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट। इसके बाद ये जो रेड कैंडल है, इससे मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, मगर ये कैंडल यहाँ से ऊपर चली गई, मतलब इस जोन में नहीं आ पाई, इस जोन में मार्केट एंटर नहीं कर पाया दोबारा। उसके बाद क्या है, ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हुआ। जब इसके कैंडल का यहाँ से, जब इस कैंडल का यहाँ से ये टॉप कट गया, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कॉल की मूवमेंट आराम से पकड़ सकते हैं।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको ये फेज जोन दिखाई दे रहा है, ये एक जोन दिखाई दे रहा है कंसोलिडेशन का। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, इस ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, बहुत ही बढ़िया। तो आप एक नेक्स्ट कैंडल ग्रीन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन कैंडल भी इसके ऊपर ही है। देखिए यहाँ पे आपको एक लेवल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ पे आपको एक लेवल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप एक लाइन खींच सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे मैं इस कंसोलिडेशन की बात कर रही हूँ, इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है। पहली बात तो ये रेड के साथ ब्रेकआउट हुआ है, इसे हम नहीं मानेंगे, बल्कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ये जो है यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट इस तरीके से नीचे जा रहा है। चूंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल है और इसका ब्रेकआउट एक रेड कैंडल के साथ हुआ है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ये कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा होगा, मैं पेंसिल से बताती हूँ आपको। देखिए ये यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा होगा, ये चीज इसका क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ ग्रीन कैंडल के साथ। आपको कम से कम यहाँ तक के और फिर ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक के टारगेट आराम से मिलेंगे। इस तरीके से आप डे फ्रेम में भी बहुत आराम से चार्ट को पकड़ सकते हैं। और एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको। ये देखिए आपके सामने ही यहाँ पे ये कंसोलिडेशन है, ये देखिए। अब ये रेड कैंडल से हुआ तो आप इसको मत मानिए, अब ये ग्रीन कैंडल से हुआ तो उसके बाद क्या है, फिर अगली कैंडल जो है वो रेड आ गई। क्योंकि एक कोई भी स्ट्रैटेजी जो है, मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी देखिए 100% तो नहीं होती। इसमें आपको थोड़े अपने पॉइंट्स जोड़ने पड़ेंगे कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है। इसलिए मैं इसके ऑल एस्पेक्ट्स आपको बता रही हूँ कि ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो रेड आई, उसके बाद क्या है, रेड कैंडल जो है इसके अंदर तो नहीं आई ना, इस जोन में तो इसने प्रवेश नहीं किया। और नेक्स्ट कैंडल आपको क्या हुआ, ग्रीन दिखाई दी कि भाई हाँ इसने ग्रीन मेंटेन किया, जोन के अंदर नहीं एंटर किया। जब इसके ऊपर चला गया मार्केट, जब इसके ऊपर चला गया तो आप ग्रीन ले सकते हैं। ओके, तब आप ले सकते हैं। ये जो कैंडल आपको ये छोटी सी दिखाई दे रही है, ये स्टार्टिंग में पूरी फुल ऑन ग्रीन कैंडल आती है, बाद में जाके मार्केट आफ्टर आवर्स में, क्योंकि ये डे टाइम फ्रेम है, बाद में जाके आफ्टर आवर में मार्केट एक डोजी बनाता है, मगर स्टार्टिंग में ये पूरा ग्रीन का मोमेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मगर इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं है ऊपर का, तो हम इसको नहीं मानेंगे। यहाँ पे कंसोलिडेशन है, इसमें ये रेड से है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। तो जहां पे ग्रीन से हो, आप थोड़ा सा इस तरीके से चार्ट को सोचने की कोशिश करें तो आपको जरूर से जरूर बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी इसमें। अब जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है, ये इस रेड कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, हम इसको नहीं मानेंगे। यहाँ पे कंसोलिडेशन है, देखिए ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, इसके बाद ग्रीन से ब्रेकआउट हुआ, तो देखिए आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही इजी तरकीब मैंने आपको बताई है, आप इसमें डे खत्म होने के बाद आप इसमें मार्केट में एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेंड लाइंस डाल सकते हैं, इस तरीके से मार्केट को देख सकते हैं, कहाँ रिजेक्शन है, कहाँ कोई लेवल है, ये सब चीजें देख सकते हैं और मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं, अगले दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये डीप इनसाइट वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसी तरह का और वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, आप बस ये लिख दीजिए यस आई वांट दिस वीडियो, जिससे कि आप नेक्स्ट डे कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मैं इस बारे में आपके लिए वीडियो लाऊंगी। हमसे इंट्राडे सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक्स रखे हैं, एलिस ब्लू, एंजल वन और अपस्टॉक, किसी भी एक के थ्रू डीमैट खुलवाएं और हमसे संपर्क करें, टेलीग्राम पे हमसे संपर्क करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए, जिससे मुझे पता चले आपको ये कंटेंट पसंद आया और इससे इसी तरह का और कंटेंट मैं आपके लिए और ला सकूं। तो इसी आशा के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी आपसे विदा लेती हूँ, थैंक यू वेरी मच।